हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? तो अभी आज सकठे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ शकरकंद बॉयल करूँगी। पहले पूजा के लिए सब बना लूँ, मेरा व्रत भी है, और फिर इसके बाद में शाम पूजा करूँगी 7 बजे तक। थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं, 1 गिलास डालूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाले तो बहुत ही मीठी शकरकंद पकती है। अब बना रही हूं मैं फिर पहाड़, और इधर मेरी शकरकंद भी बॉयल हो रही है। मेरे तिल पहाड़ भी बन गए, और ये सिंघाड़ा का आटा है तो इसकी मैं लपसी बनाऊंगी। और घी मेरा काफी गर्म है। ये पैकेट मंगवाया मैंने। आटा मेरा भून गया है तो मैं इसमें ट्रांसफर करूंगी। पानी डाल दिया मैंने 2 गिलास के समथिंग, और अब गुड़ डालूंगी। गुड़ की बना रही हूँ, इससे बहुत ही सौंधा बन जाएगा। अब गुड़ और पानी मेरा उबलने लगा है। बन गई मेरी लस्सी।
पूजा हमारी हो गई और अब जा रहे हैं, व्रत खोलेंगे। सारा दिन पानी नहीं पिया मैंने। पापा के लिए शकरकंद, सिंघाड़ा की लपसी, दूध, गुड़। ये है मस्त। तो लाल लाल है लपसी। पापा ठंडी लग रही है क्या? आसू पापा हाँ आसू बहुत ठंडी पड़ी ना। अरे ठंडी ख्याल ना पूछो। पूजा पाठ हो गए? हाँ बहुत देर हो गई। अच्छा खाना पीना? सबको खा चुका हूँ। अच्छा अब ताप रही है? आसो हद से बाहर ज्यादा ठंडी पड़ी है ना। एकदम मकर जात रहे। आ दिखा दे सकठे है रहे हैं। हाँ सकठे है तो हाँ आज त्योहार है। शकरकंद, सिंघाड़ा की लपसी, तिल पहाड़ वो भी खाया जाएगा? नहीं कल किंग उसको वो कर देगा ना। कहाँ कहा जाता है? अच्छा फोड़ देगा वो। फिर सब खबुआ देगा तिल पहाड़ को। फिर सब का दिन गई ना। अच्छा प्रसाद रूप में। बहुत मीठी नहीं शकरकंद जन हम लाए रहन। हाँ सही कह रहे हो। राम दही के जैसे कुकर में बॉईल करे ना तो पानी थोड़ा सा डाले और दो तीन सीटी लगा हुआ दो सीटी में पक जाती है तो बहुत मीठी रहती है। अगर बहुत पानी भर दे दो तीन गिलास तो वो फीकापन हो जाता है। राम दही के? हाँ सही में कहो। राम दही के? राम दही के कसम से। को दूध के साथ अच्छी लग रही थी लपसी किंग का हमरे ऐसे ही अच्छी लग रही है बिना दूध के। सब घर दूध से खाओ अपन अपन पसंद है हेलो। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सुधामा भदौरिया को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। जय माता दी।